वासीपुर हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान की मां सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रिंस के घर से 6 जिंदा बम, 2 दोनाली बंदूक और 1 राइफल तथा 4 गाड़ी जब्त किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गिरोह का खुलासा करने के लिए पुलिस की 6 विशेष टीम बनाकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कराई जा रही है। नन्हे हत्याकांड के बाद प्रिंस खान के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया था। उस वीडियो में प्रिंस ने हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए धमकी भरी चेतावनी दी थी। ने एक अपराधी के बढ़ते मनोबल को शायद चैलेंज के रूप में ले लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने वासीपुर में सक्रिय गैंग्स को ध्वस्त करने की रणनीति बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। गैंग्स और उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को पुलिस चिन्हित करते हुए उनका जन्म कुंडली खंगाल रही है। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने नन्हे हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने प्रिंस की मां नसरीन परवीन, मोहम्मद अमन और ब्रजेश को गिरफ्तार कर उनका कोविड टेस्ट और मेडिकल जांच कराया। तत्पश्चात तीनों को CJM की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए उन्हें जेल भेज दिया। एक सेकंड रुकिएगा भैया, एक बाबू हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैम पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार करके कुछ नहीं जानते जी? मैम कुछ नहीं जानते।